सकते हैं। सामने जो ग्राउंड है ना वहाँ पे हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं। सीताराम सबको। तो अभी हम ना निकलने वाले हैं सूरत से, लेकिन मेरा एक लास्ट काम जो बाकी है वो करने के लिए आए हैं। तो अभी 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 मेन राजू भाई आए हैं शिव को सुला के। ये है भगवान महावीर यूनिवर्सिटी, हम आ गए हैं गूगल की हेल्प से यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। इस साइड पूरा ग्राउंड दिख रहा है, कुछ खेल रहे स्टूडेंट्स वहाँ पे, क्रिकेट खेल रहे शायद। तो हम देखने के लिए आए क्योंकि नर्सिंग का यहाँ पे मैंने मेरी दोस्त से सुना है कि बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। तो अभी पता नहीं, देखते हैं क्या है सब कुछ अंदर। और पूजा ने पूजा भी अभी नर्सिंग पूजा को भी स्टार्ट करना है, और एक मेरी दूसरी कज़िन सिस्टर है उसको भी स्टार्ट करना है नर्सिंग का। तो उन्होंने बोला था कि अगर तुम जा रहे हो सूरत तो थोड़ा सा इंक्वायरी करके आना क्या है सब कुछ। तो अभी देख के आते, आ जाओ। से अभी मैं अंदर जाके पूछती हूँ, क्योंकि एक यहाँ पे बिल्डिंग है, एक वहाँ पे भी गेट दिख रहा है, तो मुझे कहाँ पे एग्जैक्टली जाना है वो। एडमिशन के लिए अंदर चलेंगे यहाँ पे। थैंक यू। हेलो, हमें नर्सिंग के कोर्स के बारे में कुछ इंक्वायरी करनी है। हाँ, यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओके, ये बिल्डिंग में होगा या वो बिल्डिंग में अंदर? हाँ नहीं, नर्सिंग का है कहाँ पे? नर्सिंग का डिपार्टमेंट। हाँ, नर्सिंग का डिपार्टमेंट जाओगे ना, गेट के अंदर, हाँ, उसके अंदर लेफ्ट साइड में नंबर 1। ठीक है, नर्सिंग डिपार्टमेंट। ओके, यहाँ पे अभी तो आपको ठीक है। ओके, तो अभी वहाँ से बोला है कि कॉन्फ्रेंस रूम में जाना है, तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे। हेलो, कैन वी कम इन? नर्सिंग के बारे में एडमिशन के लिए पूछना था थोड़ा सा। तो वहाँ पे ही जाना होगा ना? ओके, इस बिल्डिंग के बाहर चार रास्ते के सामने यही वाली लाइन में लेफ्ट साइड में फर्स्ट बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर। ओके, वहाँ पे ही जाना है। मुझे पूछना था कि वो 10+2 आर्ट्स में किया हुआ है, तो BSc तो नहीं कर पाएगी ना वो नर्सिंग में, लेकिन वो GNM हाँ GNM कोर्स है वो कर सकते हैं ना। ओके, उस कोर्स की डिटेल्स यहाँ से मिलेगी या वहाँ पे ही जाए? ओके, ठीक है, थैंक यू। तो अभी यहाँ पे जो टीचर थे वो इंजीनियरिंग के हैं, तो हमें उसी बिल्डिंग में जाना होगा जहाँ पे पूरा ये चलता है नर्सिंग का। आ जाओ, अभी जाते हैं। तो अभी क्या है कि हमें नर्सिंग के लिए जो भी डिटेल्स चाहिए कोर्स की और सब कुछ, इसके लिए वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे सारे कोर्सेज हैं, लेकिन अभी देखते हैं वहाँ पे जाके। एनवायरनमेंट अच्छा है यहाँ पे, शांत है पूरा और इनफ स्पेस है। वहाँ पे गेट दिखेगा यहाँ से, देखो।
कॉलेज के दिन ना याद आ रहे। राजू भाई तुम कॉलेज गए हुए? नहीं गए हुए, कॉलेज का मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये दूसरा यहाँ पे गेट है महावीर यूनिवर्सिटी का। नमस्ते, नर्सिंग के लिए जाना है, कोर्स का पूछना है। नर्सिंग के लिए कोर्स का पूछना है, पहला गेट के अंदर आप जा सकते हो, पहले ही बिल्डिंग है इस साइड में ना। हाँ, जो ऐसा गेट आएगा, पहला गेट वाला आएगा ना, वह बराबर वो पहली बिल्डिंग है, बराबर। ठीक है, ये भी कॉलेज का है, MCA है। ओके, MCA, ओके, थैंक यू अंकल। ये नर्सिंग का कैंपस कौन सी साइड है? नर्सिंग बिल्डिंग आपको इधर अंदर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, नर्सिंग का कोर्स का पूछना है और एडमिशन के लिए यहाँ पे ही है ना? हाँ, ये बिल्डिंग नर्सिंग की है और आपको एडमिशन चाहिए ना, तो आपको इस बिल्डिंग में जाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर पे, तो आपको उधर मिल जाएगा सारी डिटेल्स, वहाँ पे मिल जाएगी सारी डिटेल्स आपको उधर मिल जाएगी। थैंक यू, थैंक यू। अभी ना मैं यहाँ पे नई हूँ, इन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे है नर्सिंग बिल्डिंग, लेकिन मैंने पूछा कि आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है तो मेरे साथ चलो, तो मुझे ईजी होगा, ज़रा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो वो आ रहे हैं मेरे साथ ताकि मुझे थोड़ी सी जल्दी से इसमें हेल्प हो जाए। और GNM कोर्स करना है अगर मुझे, मैं भूल नहीं, GNM या ऐसा कुछ? हाँ, तो कोर्स सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर मिल जाए। ठीक है, ऊपर जाना होगा ना। और अगर आप सारे कॉलेजेस में देखोगे ना, तो ऐसे लिफ्ट भी प्रोवाइड किए, बिकॉज कभी कभी किसी को प्रॉब्लम होती है कि स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते, सांस चढ़ जाती है ना, शुगर प्रॉब्लम, उसकी वजह से हमारे इतनी अच्छी फैसिलिटीज है कि लिफ्ट तक दी है उन्होंने। हमें, मुझे तो चल के आना है क्योंकि वजन कम करना है। वो हमारे एक लड़कियों का मोटो रहता है, बट किसी को प्रॉब्लम हो तो उसके लिए लिफ्ट अवेलेबल है, ज़्यादा यूज कर सकते हैं लड़कियाँ, एक्सरसाइज, वॉकिंग। तो अभी ये नर्सिंग का क्लासरूम है। ओके, चलिए, ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हेलो, यहाँ पे थियोरी का सब कुछ होता है। थियोरी का सब कुछ होता है। हाँ, तो यहाँ पे नर्सिंग का एडमिशन ऑफिस है, यहाँ पे आपको मैम मिलेंगे। अरे, टाइम लगता है, आप जब बुलाओगे मैं तब आ जाऊँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी दोस्ती हो गई है। हेलो मैम, जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स वो आपको क्लियर कर देगी, और मुझे लेक्चर के लिए भागना पड़ेगा क्योंकि स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, मैंने आपका इतना टाइम लिया। आप बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊँगी। थैंक यू, बाय। वेलकम मैम। अभी ना क्या है कि मेरी एक कज़िन सिस्टर है। ओके, और एक मेरे भाई की बेटी है, उनको नर्सिंग का करना है। आजकल पता नहीं हमारे वहाँ बहुत ज़्यादा नर्सिंग का क्रेज चल रहा है अभी लिटरली। और स्पेशली वो ना, एक तो 12 साइंस के बाद होता है ना, BSc होता है ना, लेकिन उसने किया है 12th आर्ट। ओके, हमारे यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स भी है और BSc नर्सिंग। ओके, डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स दोनों होता है। वो कुछ GNM, यस, GNM इज डिप्लोमा कोर्स एंड BSc नर्सिंग इज डिग्री कोर्स। तो 12th आर्ट्स और 12th कॉमर्स के बाद हम GNM कर सकते हैं, और 12th साइंस के बाद हम BSc नर्सिंग कर सकते हैं। और GNM का फुल फॉर्म क्या है, मुझे वही नहीं पता। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी इज GNM। ओके, एंड BSc नर्सिंग बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। GNM जो है उसमें ऐसा होता है कि वो 3 साल का कोर्स है और वो डिप्लोमा कोर्स है, और जो BSc नर्सिंग है वो 4 साल का कोर्स है एंड वो डिग्री कोर्स है। हाँ, और हाँ, दोनों में ऐसा है कि GNM के बाद हम क्लिनिकल साइट में जा सकते हैं। हम क्लिनिक में, जिनको ज़्यादा क्लिनिक में इंटरेस्ट है वो क्लिनिक साइट में जा सकते हैं, तो वहाँ पे वो डॉक्टर के साथ वर्क करेंगे। ओके, और वो OT में भी वर्क कर सकते हैं और बाकी के सारे वर्क, ठीक है। और जो BSc नर्सिंग वाले स्टूडेंट होते हैं वो क्लिनिकल साइट में भी जा सकते हैं और टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, तो एज अ ट्यूटर भी वर्क कर सकते हैं कॉलेजेस में, वो पढ़ा भी सकते हैं। ओके, और मुझे, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं ना, पढ़ाई तो मेन होता है जॉब का, तो इसका डिप्लोमा है तो उसके बाद वो वैलिड कहलाएगा ना। हाँ, वो दोनों, यस, रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोनों में और दोनों वैलिड हैं, ठीक है। हाँ, और हमको एब्रॉड भी जाना है, एब्रॉड जाके आगे स्टडी करनी है, फर्दर स्टडी या फिर जॉब, एज अ हम वर्कर भी हम एब्रॉड जा सकते हैं थ्रू GNM, ठीक है। GNM के बेसिस पे भी और BSc नर्सिंग के बेसिस पे भी, लेकिन अभी अभी के टाइम में ऐसा है कि BSc का ज़्यादा क्रेज चल रहा है। BSc में ऐसा है कि हम एज अ ट्यूटर भी वर्क कर सकते हैं, तो आफ्टर BSc हम मास्टर्स भी कर सकते हैं और उसके बाद हम PhD भी कर सकते हैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे। लेकिन उसके लिए साइंस जरूरी है। यस, उसके लिए साइंस जरूरी है, और थियोरी और प्रैक्टिकल सब कुछ। यस, हमारे यहाँ पे लैब भी अवेलेबल है, लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे थियोरी नॉलेज भी देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज भी, हमारे पास डमीज भी हैं अवेलेबल, तो स्टूडेंट यहाँ पे
जाके प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं और हम यहाँ से पोस्टिंग में भेजते हैं उनको, तो पोस्टिंग में जाके वो ट्रेनिंग भी लेते हैं। ओके, और इसके बाद कुछ जॉब का यहाँ से कुछ होता है प्लेसमेंट ऐसा कुछ? इसमें ऐसा है कि जॉब के लिए हमको एज अ नर्स, हम कहीं भी बाहर जाते हैं हमको जॉब तो श्योर मिलनी ही है क्योंकि अभी क्रेज है नर्सिंग का, तो श्योर जॉब मिल ही जाएगी। ठीक है, तो हम कहीं भी हॉस्पिटल में जाके अप्लाई कर सकते हैं, कहीं भी ट्यूटर लाइन में जाके अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर बीएससी एंड आफ्टर जीएनएम। जीएनएम, यस, क्योंकि मेरा मेन फोकस जीएनएम में है क्योंकि मेरी जो दोनों कजिन सिस्टर है उसने 12th साइंस नहीं किया, 12th आर्ट से है, तो इसलिए जीएनएम कर सकते हैं। जीएनएम कर सकते हैं ना। और कोर्स आपने कितने साल का बोला? मैं बोल गई, कोर्स उसमें ऐसा है जीएनएम 3 इयर्स का है और जो बीएससी नर्सिंग है वो 4 साल का है। और हॉस्टल भी यहाँ पे है? हाँ, हॉस्टल भी अवेलेबल है हमारे यहाँ। वो नए है हम सूरत में तो पहली बार बाहर रहेंगे तो थोड़ा सा उसको। और SC ST स्टूडेंट के लिए ये बेनिफिट है कि उनको फ्रेशअप कार्ड के थ्रू स्कॉलरशिप भी मिलेगी, तो उनकी ट्यूशन फी भी उसमें से कवर हो जाएगी, तो SC ST स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। वो अच्छी बात है। और आप फीस का क्या, उसका स्ट्रक्चर? फीस का ऐसा है कि GNM के लिए 1,17,000 फीस है और जो BSc नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए 1,06,000 है। BSc नर्सिंग हमारा रिसेंटली 2020 में स्टार्ट हुआ है और GNM हमारा बहुत सालों से चल रहा है यहाँ पे, इसलिए। ओके, थैंक यू। अभी हमने ना ये थियरी रूम तो देख लिया है, अभी मुझे वहाँ पे देख के आती हूँ। मैं उसको बताऊँगी, अभी तो वो नहीं आई है साथ में, तो उसके लिए एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या टाइम लगेगा या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में उनकी 10th की मार्कशीट, अगर उनको BSc नर्सिंग करना है तो उनकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, LC, ये सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड की जेरोक्स, पासपोर्ट साइज के फोटो, ये सारी चीज़ें लगेंगी उनकी। और GNM भी सेम प्रोसेस है। ओके, हाँ, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज की फोटो का जरूरी है। यस, ओके, थैंक यू। मैं उसको बता दूँगी सारी डिटेल्स और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स मुझे मिल जाएगी ना यहाँ से, तो फिर मैं बता दूँगी। थैंक यू। तो अभी प्रैक्टिकल लैब ऊपर? हाँ, प्रैक्टिकल लैब ऊपर है। तो पहले थियरी होता है, बाद में प्रैक्टिकल होता है? ऐसे होता है कि हमारी मतलब ईयरली ऐसा होता है कि हमारे पोस्टिंग में भेजते हैं बच्चों को। हाँ, तो ईयर वाइज उनका अलग अलग होता है, ईयर वाइज उनके सब्जेक्ट्स भी अलग होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे पीडियाट्रिक का हो गया, OB-GYN का हो गया, इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनके अलग अलग लैब हैं और यहाँ पे उनको प्रैक्टिस भी करवाते हैं। मतलब एक दिन में एक दिन थियरी है तो एक दिन लैब ऐसा होता है या कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, उसका पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने महीने थियरी चलेगा और इतने महीने इनका प्रैक्टिकल रहेगा। तो उन जो थियरी क्लासेस चलते हैं उनके साथ साथ उनको यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं, यहाँ पे उनको डेमो दिखाते हैं, प्रोसीजर वगैरह सीखते हैं स्टूडेंट, एंड फिर जब पोस्टिंग का टाइम होता है तो वहाँ पे जाके वो वहाँ डेमो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये प्रैक्टिकल में? यस, ये हमारी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की लैब है। ओके, यस, और पीडिया की लैब है, दोनों साथ में है। बेबी आ गया है यहाँ पे, देखो बेबी सो रहा है। नहीं, ये सब कुछ प्रैक्टिस में होता है। yes. कैसे करना है, क्या है? यहाँ पे आप भी टीचिंग करवाते हो? हाँ, हम भी टीचिंग करवाते हैं। ओके, ये पीडिया की लैब है, यहाँ पे ये सारे बेबीज वगैरह रखे हुए हैं। और ये यहाँ पे गायनेकोलॉजी के लिए भी मतलब कराते हैं प्रैक्टिक्स। बेबी सो रहा है, मतलब मुझे सीव की याद है, मेरा बेटा है वो भी 10 महीने का है। nice. और अभी सीव को सुला के आई है। ये पीडिया लैब है, तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के डमी दिए गए हैं, तो जिन पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उनके मतलब लाइक कैसे होता है कि रिफ्लेक्सेस जो बच्चों के होते हैं, फिर उनको कैसे हैंडल करना है, उनके लिए क्या क्या मेडिसिन है, वो सारा यहाँ पे सिखाते हैं। एंड ये OB और गायनेक की लैब है, तो ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी की जो भी स्टडी होती है जो हमारे नर्सिंग में आती है वो सारी यहाँ पे सिखाते हैं। हाँ, और यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बच्चे। यहाँ पे सारे इंस्ट्रूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी में। और मुझे एक और भी था कि ये हम GNM कर ले, तो कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं? श्योर, हम गवर्नमेंट एग्जाम्स देके उनको क्लियर करके फिर अप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। इसके बाद कुछ गवर्नमेंट एग्जाम होंगे? यस, हम उसके बाद एम्स वगैरह की भी एग्जाम दे सकते हैं, उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। एम्स के लिए हॉस्पिटल में? यस। ओके, थैंक यू, आपका टाइम हमने लिया और अच्छा लगा। माय प्लेजर। ये प्रैक्टिकल रूम हमने देखा, थियरी रूम भी देखा, मेन ये दो ही पार्ट होते हैं ना? हाँ, प्रैक्टिकल और थियोरी, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लैब होती है, वहाँ पे और भी सारी लैब्स हैं। ओके, यस, ओके, ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हो जाती है, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लिए हो जाती है ना? यस, थैंक यू। ओके, ये हमारी कम्युनिटी की लैब है, यहाँ पे छोटे से एम्बुलेंस बनाई है बच्चों ने। ये यहाँ पे ही बनाई हुई है? यस। ओके, ये सारे हम लोग मॉडल्स वगैरह बनवाते हैं यहीं पे बच्चों के पास। ओके,
ये पूरा हाँ, प्राथमिक आयोग yes. आरोग्य केंद्र वाला हाँ, ये PHC का है, CHC है, अर्बन हेल्थ सेंटर वगैरह स्टडीज में आते हैं तो हाँ, ये सारा है। ये भी अच्छा बनाया हुआ है। ये कम्युनिटी बैग है, बच्चे कम्युनिटी में जब प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो ये बैग उनके साथ लेके जाते हैं। ओके। कम्युनिटी के पीपल का मतलब वो सारा ट्रीटमेंट वगैरह इसी के थ्रू करते हैं। ओके। इसमें सारी मेडिसिन वगैरह अवेलेबल होता है। ओके। ओके। यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे श्योर बना के यहाँ पे खिला भी सकते हैं। यहाँ पे बच्चे न्यूट्रिशन के रिलेटेड सब सीखते हैं कि कौन सी चीज़ों में से कितना न्यूट्रिशन, और उस तरीके का खाना बनाते हैं, और ये सब सारी चीज़ें सीखते हैं कि किन चीज़ों में से कितना न्यूट्रिएंट हमको मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे सारे बर्तन भी रखे हुए हैं। हाँ। सिंह फाउंडेशन की लैब है ये, और यहाँ पे बेसिक सारे सिखाए जाते हैं। यहाँ पे डमीज दिए हैं, डमी पे प्रैक्टिस करते हैं स्टूडेंट्स, और यहाँ पे PPE किट वगैरह और बेसिक जो भी होता है वो सारा यहाँ पे दिया गया है। देन ये इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल हैं, जो भी हम हॉस्पिटल में इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज़ करते हैं उनका सारा बच्चे यहीं से सीखेंगे वो। okay. और वहाँ पे प्रैक्टिस में जाके अप्लाई करेंगे वो सारी स्टडीज। okay, इसमें सब कुछ है। यस, बेसिक केयर और सब कुछ। हाँ। ओके, यहाँ हैंड वॉशिंग के स्टेप्स भी दिए गए हैं, तो स्टार्टिंग में वही सीखते हैं बच्चे। हाँ। और वो भी सिखाया जाता है, जैसे मैंने एरोस्टेस कोर्स किया हुआ है। हाँ। तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं आता मेडिकल का, लेकिन फर्स्ट एड का। हाँ। और जो होता लाइफ सेविंग स्किल्स वगैरह वो yes. होता है, तो वो भी यहाँ पे भी सिखाया जाता। हाँ, है वो यहाँ पे भी सिखाया जाता है। CPR करना भी हम सिखाते CPR हैं। करना स्पेशली। हाँ। यहाँ पे करवाते हैं CPR। हाँ, CPR करवाते हैं बच्चे यहाँ पे सीखते हैं। ओके। क्योंकि CPR कभी ना बहुत हाँ इम्पोर्टेंट है, लाइफ सेविंग जाता है, किसी की लाइफ बच सकती है, तो वो बहुत अच्छा है। तो ऐसा है पूरा देखा, अभी हमें जाना भी है क्योंकि अभी शिव का उठने का टाइम हो गया, वो मेरा बच्चा छोटा है अभी है। okay. एक तो बड़ा है, तो बस वो उठ जाए उससे पहले हम जाते हैं। और थैंक यू, आपने सारी डिटेल्स थैंक यू सो मच, आना होगा जो भी होगा मैं बता दूंगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स। इसी के साथ अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे जा रहे बहुत सारे, तो हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपको कुछ भी इंक्वायरी हो तो जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो और आपको डिटेल्स मिल जाएगी। हाँ, तो वेबसाइट से भी आपको जो भी डिटेल्स चाहिए मिल जाएगी और आप कॉल कर सकते हो, कुछ भी इंक्वायरी है यहाँ पे है तो आप आ सकते हो। हमारी थार नहीं है, ये स्टूडेंट्स लेके आते हैं थार या फिर फैकल्टीज़। ठीक है। हाँ। तो चलो जाते हैं।